Hello everyone, welcome back to my channel. You are watching Shiny's Makeup Box. आज की वीडियो में मैं क्रिएट करने वाली हूँ एक बहुत ही ईजी सा एंड ब्यूटिफुल सा आई मेकअप लुक. इफ यू इंटरेस्टेड ऑन दिस आई मेकअप, सो कीप ऑन वॉचिंग. At first, I am creating the eye base. I am using Tarte concealer. आप कोई भी concealer ले सकते हो. And base को अच्छे से blend करना पड़ेगा. इस eye look के लिए I am using Huda Beauty Rose Gold Palette. आप कोई भी eyeshadow palette ले सकते हो. सबसे पहले मैं एक lighter pink color ले रही हूँ और एक fluffy blending brush की मदद से अच्छे से blend कर रही हूँ. नेक्स्ट आई एम टेकिंग ए डार्कर टोन और उस टोन को लेकर मैं पहले मेरी आउटर वी पे पुट कर रही हूँ. उसके बाद धीरे धीरे आउटर वी से इनर कॉर्नर तक अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना पड़ेगा. देखना पड़ेगा कोई क्रीज लाइन ना आ जाए. थोड़ा सा और कलर पुट कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक अच्छा सा कलर चाहिए और ऊपर का पहला जो कलर था उसके साथ अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. ब्लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड नेक्स्ट आई एम यूजिंग ए फ्लॉफी फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश. उस ब्रश की मदद से सेम कलर लेकर मैं लोअर लैश लाइन को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. नेक्स्ट आई एम टेकिंग ए फ्लॉफी ब्लेंडिंग ब्रश एंड ब्लेंड आउट ऑल द एजेस. एक लाइनर ब्रश की मदद से वाटर लाइन पर काजल यूज कर रही हूँ. एक फ्लैट ब्रश लेकर शिमर कलर को इनर कॉर्नर से आई लिड तक यूज कर रही हूँ. नेक्स्ट आई एम टेकिंग ए स्मॉलर ब्लेंडिंग ब्रश एंड पुट सम ब्लैक कलर इन माय आउटर वी. थोड़ा सा मेरून कलर लेकर ब्लैक कलर के साथ अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. ब्लैक कलर को आउटर वी पर थोड़ा सा पुट करके लोअर लैश लाइन पे भी अच्छे से यूज कर रही हूँ और इस कलर को एक लाइनर की शेप देने की कोशिश कर रही हूँ. नेक्स्ट आई एम टेकिंग ए स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश एंड हाईलाइट द हाई पॉइंट्स. Put some mascara. This is my favorite part. And the last part is fix the eyelashes. अगर आपको ये आई मेकअप लुक अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना. And subscribe my channel and don't forget to hit the bell button.